दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज दशहरा है और आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हरीश मुझे लेने आ रहा है, उसके बाद हम लोग जाएंगे रायगढ़। रायगढ़ में केलो नदी के पास हरीश को कुछ काम है, उसके बाद रायगढ़ में छोटा मोटा शॉपिंग वगैरह सब्जी वगैरह लेने हैं, उसके बाद जाएंगे साईं मंदिर। साईं मंदिर में दशहरा के उपलक्ष्य में आज भंडारा है तो वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए आप लोगों के लिए आज दशहरा के उपलक्ष्य में। तो वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को आगे। आप देख रहे हैं यह है केलो नदी का मरीन ड्राइव। साइड साइड में ये जो रास्ता बना है मरीन ड्राइव का, अभी हाल ही में कुछ साल वो हुआ है बना है, और ये जो रास्ता बना हुआ है ये दोनों तरफ बना हुआ है। हालांकि अभी नदी में पानी कम है, बाकी ये जो रास्ता बना दोनों साइड में ये काफ़ी अच्छा बना दिया गया है और लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक भी है ये रास्ता। और ये जो आप देख रहे हैं ये है राजमहल हमारे रायगढ़ का, हालांकि क्लियर नहीं आ रहा है। ये देखिए ये वाला जो बिल्डिंग है ये है राजमहल रायगढ़ का। तो रख रखाव की कमी के कारण ये हाल हो गया है। आप देख सकते हैं रायगढ़ का राजमहल। तो अभी हम आ गए हैं केलो नदी में और हरीश जी को यहाँ पे कुछ विसर्जन करना है, तो विसर्जन करके हम चलेंगे सिटी तरफ, उसके बाद साई मंदिर। और पानी थोड़ा गंदा है लेकिन इस जगह का थोड़ा सा ठीक रहता है। और सारे लोग आप देख सकते हैं विसर्जन करने के लिए आए हुए हैं। इधर भाई लोग गाड़ी धो रहे हैं और ऊपर तरफ आप देखेंगे तो कुछ लोग नहा भी रहे हैं। तो यही है केलो नदी हमारा रायगढ़ का। नवरात्रि किए थे हरीश जी, 9 दिन का व्रत था, तो व्रत के बाद जो भी विसर्जन करना था वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं केलो नदी का नज़ारा किस तरह से है, ये मेरे चारों तरफ। और बस यहाँ का हो गया है काम, अब सिटी में थोड़ा सा काम है, उसके बाद जाएंगे हम लोग साईं मंदिर। साईं मंदिर दर्शन करेंगे, उसके बाद भंडारा है, प्रसाद ग्रहण करके सीधा जाएंगे घर की तरफ। ये बाग तालाब है रायगढ़ का। ना बाग है, बाग नहीं है, बाग शायद पानी पीने आया करते रहे होंगे या बाघ पाल के रखा गया होगा राजाओं द्वारा पहले, इसीलिए बाघ तालाब नाम पड़ा है इसका। और ये गाड़ी मुझे काफ़ी पसंद है। ये है रायगढ़ का राजमहल। अभी हैं हम लोग राजापारा में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं रायगढ़ का राजमहल। और ये पूरा कंप्लीट जो है राजमहल का सीन, ये जो राजमहल बना हुआ है कुछ इस तरह से बना हुआ था। और इस तरफ है समलेश्वरी माँ की मंदिर, पीछे साइड में आप देख सकते हैं। अगर इसको रख रखाव किया जाए तो काफ़ी अच्छा लगेगा ये राजमहल। अभी हम लोग हैं डेली सब्जी मार्केट में और कुछ सब्जियां परचेस कर रहे हैं, थोड़ी बहुत सब्जियां लेंगे घर के लिए। और
दिन है, बहुत तेज धूप है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है आज। तो अभी कुछ फल खरीद रहे हैं हरीश यहाँ से, आप देख सकते हैं सेब केले ये सब हैं। और ये जो दुकान है ये भैया का है, हमेशा आज 2 या 3 साल हो गया ना हम लोग यहीं से ले रहे हैं हरीश, 2-3 साल से इन्हीं के पास से हम लोग फल खरीदते हैं। बाकी रेट की बात नहीं बता सकते, कभी कम लगा देते हैं कभी ज़्यादा लगा देते हैं, बाकी फल अच्छा रहता है इनका, आपको दिखाता हूँ। ये तौल पूरा रहता है? हाँ, तौल सही रहता है, जनरली मार्केट में ना लोग तौल कम रहता है। आप लेके जाएंगे 1 किलो तो आपको निकलेगा 800-900 ग्राम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सही वजन मिल जाता है और नो डाउट फल तो अच्छा ही रहता है हमेशा इनका। तो अभी हम लोग आ गए हैं साईं मंदिर में, उदना साईं मंदिर, और थोड़ा पूजा वूजा करते हैं, बाबा जी को फूल चढ़ाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे चल रहा है भंडारा, तो भंडारा में प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तो आपको मंदिर के कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ। ये इस तरफ है मंदिर, आप देख सकते हैं, और भीड़ कितना है आप देखिए, कि गाड़ियाँ कितनी हैं यहाँ पे। आपको पता होगा कि ये शताब्दी समारोह है, आज से 100 साल पहले बाबा जी ने समाधि ली थी और ये पूरे 100 साल हो रहे हैं उनको आज, इसलिए भी आज इस बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया है। दशहरा में वैसे भी साईं बाबा की बहुत अच्छे से यहाँ पूजा की जाती है, वैसे तो हर गुरुवार को ही अच्छी पूजा होती है, बट दशहरा का भी एक अलग महत्व है पूजा को लेके, तो यहाँ पे आज बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया है इसीलिए, क्योंकि आज दशहरा भी है और पूरे 100 वर्ष हो रहे हैं बाबा जी को समाधि लिए हुए। 100 वर्षों से बाबा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके पहले भी दे रहे थे तो, लेकिन अब 100 साल हो गए हैं पूरे पूरे। सजावट काफ़ी अच्छा है यहाँ का और भीड़ भाड़ है। आप भीड़ देख सकते हैं भंडारा के लिए, किस तरह से भीड़ है यहाँ पे, और भक्तगण लाइन में लगे हैं प्रसाद लेने के लिए। और हमको आज मिल रहे हैं हमारे जोशी काका, सही है, बहुत साल साथ में काम किए, मज़ा आया साथ में काम करके, और यही है इनका आशीर्वाद है हमेशा हमारे साथ। और ये आशीष जोशी इनके सुपुत्र, और छोटा वाला कहाँ आ गया, आयुष जोशी, और ये रहा आयुष जोशी, तो सब लोग आए हुए हैं। ले लिया आप प्रसाद? अभी प्रसाद लेंगे, तो हम लोग अभी साथ में मिल के प्रसाद लेते हैं। दोस्त है जयसवाल जी, ये जयसवाल जी, इधर आज मेरा पूरा और कौन आएगा यूट्यूब में, ये हीरालाल जी, ये हीरालाल इनके बच्चे हैं, आजा आजा जिम्मेदार है, काका के दोस्त हैं, और ये सारे बच्चे सब के, हाँ इनको तो हम जानते हैं, सही है। तो ये है पूरी जोशी जी की टीम, काका की टीम, सब बच्चे फ्रेंड सारे लोग आए हुए हैं, और साथ में मैं और हरीश भी मिल गए, तभी सब साथ में मिल गए तो साथ लेंगे। हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, बहुत टाइम लगा, लगभग मजा आ गया, लेकिन 1 से 1.5 घंटा लगा, लेकिन प्रसाद लेने का जो मजा है, प्रसाद खाने का, और जो प्रसाद है ना, मन तृप्त हो गया प्रसाद खा के, तो हो गया यहाँ दर्शन, और अभी वापस घर की तरफ।
तो बस आप देख सकते हैं मंदिर और खाली भी हो चुका है। उस समय जब आए थे भीड़ काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अभी भीड़ कम हो चुका है। मौसम भी बदली बदली कर रहा है और हल्का फुल्का पानी भी गिरा था। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा ब्लॉग है, उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के वीडियो आप और आगे देख सकें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय माता दी।